प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में चिलचिलाती धूप से राहत सी मिल गई है। दरअसल हुआ यूं है कि पिछले कई दिनों से हीट वेव ने लोगों को परेशान कर दिया था। मौसम में तापमान काफी अधिक होने की वजह से लोग बेहद परेशानी का अनुभव कर रहे थे और इसी दरमियान आपने देखा होगा कि लू के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से डॉक्टर ने भी एहतियात बरतने की सलाह तक दे दी थी। इसको लेकर स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया था, जहाँ बच्चों का स्कूल पहले 11:30 या तकरीबन 11:45 तक चलना था, उसका समय 1 घंटा घटा दिया गया और स्कूल का टाइम टेबल जो है घटाकर 10:45 तक कर दिया गया। लेकिन अब एक राहत भरी खबर सामने आ गई है। दरअसल अब बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां, आज ही बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर लोग थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से बताते हैं कि किन जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिहार के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती धूप से राहत सी मिल गई है। पटना समेत प्रदेश के 12 जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है, इन जिलों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 5 दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई थी, चिलचिलाती धूप और तीखी गर्मी से लोग परेशान थे। शुक्रवार को भी 6 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था, इसमें 3 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट था। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, मधुबनी और वैशाली में हल्की बारिश हो सकती है, ऐसे अनुमान है। इसके साथ ही पूर्वा हवा चलेगी, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत सी मिलेगी। गुरुवार को पटना में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार और शनिवार को पटना में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान थे। मौसम विज्ञान केंद्र ने नालंदा, जमुई, बांका के लिए सीवियर हीट वेव और कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया। इन जिलों में लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी और लू चलने की वजह से पटना जू में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। सामान्य दिनों में 6 से 7 हजार और वीकेंड में 15 से 16 हजार पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन गर्मी की वजह से 3 हजार पर्यटक ही पहुंच रहे हैं। गया में गुरुवार की शाम मौसम का मिजाज बदल गया है, यहां आंधी के साथ बारिश हुई। इमामगंज इलाके में दोपहर के बाद बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिल गई है। पिछले 24 घंटे में पटना और शेखपुरा सबसे गर्म रहा, यहां का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही गया का 42.5 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 42.3 डिग्री सेल्सियस, पश्चिम चंपारण का 42.2 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर का 40.4 डिग्री सेल्सियस। वही बात दरभंगा की करें तो यहां पर 41.2 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी चंपारण का 41.8 डिग्री सेल्सियस, साथ ही जमुई, बांका, खगड़िया, औरंगाबाद, भोजपुर, वैशाली, कटिहार, नालंदा, नवादा इत्यादि जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। तो जैसा कि आपने सुना कि अब आपको हीट वेव यानी गर्मी से राहत मिलने वाली है और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे कि अब मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदल गया है। वैसे तो मौसम ने पिछले कई दिनों से तल्ख रवैया अपनाए हुए थी, लेकिन अब मौसम ने अपना करवट ले लिया है और अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वैसे आज बारिश के अनुमान है, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन मौसम में राहत के बाद से लोग भी चैन की सांस ले रहे हैं। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।